अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। नर्सरी क्लास, आज हम एक नया लेटर पढ़ेंगे जिसका नाम है जर्ब। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जर्ब। चले नर्सरी क्लास, अब हम देखते हैं कि जर्ब के फ्रेंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये है सबसे पहले जार। ये क्या है? जार। और ये कौन है? ये है नर्सरी क्लास जग। इसका नाम है जग। और ये देखें, ये कौन है? ये है जी। कौन है ये? जी। और ये देखें, ये कौन है? ये है जेली। जेली खाते हैं ना सारे बच्चे, ये वही वाली जेली। और ये है प्यारे बच्चों जेट। ये क्या है? ये है जेट। इसका नाम है जेट। और अब इन सब का फ्रेंड है ये वाला प्यारा सा जर्ब। इसका नाम है जर्ब। चले अब हम सारे बच्चे मिलके इस जर्ब की रीडिंग करते हैं। चले मेरे साथ मिलके जर्ब की रीडिंग करें। ज जार, ज जग, ज जी, ज जली, ज जेट। दोबारा से एक दफ़ा पढ़ें। ज जार, ज जग, ज जी, ज जेली, ज जेट। चले नर्सरी क्लास, अब हम नीचे जो फोर लाइंस लगी हुई हैं, इन फोर लाइंस के ऊपर ज को लिखना सीखते हैं। ठीक है नर्सरी क्लास जी? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये फोर लाइंस लगी हुई दिखाई दे रही है ना? चले अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इन पे ज कैसे लिखते हैं। नर्सरी क्लास, ऊपर वाली फर्स्ट लाइन जो है उसे छोड़ देना है। जो सेकंड नंबर वाली दूसरी लाइन है उसके ऊपर आपने पेंसिल रख के पहले सीधा वन नीचे लेकर आना है। यहाँ जब इस लाइन के पास आएंगे आप, थर्ड नंबर वाली लाइन के पास, तो इस ज को थोड़ा सा गोल कर देना, ठीक है? और इसके ऊपर एक डॉट लगाना है। प्यारे बच्चों, इसको सीधा यूं ज को सीधा नहीं बनाना, ओके? ये रॉन्ग है। दोबारा देखें, यहाँ से सीधा वन नीचे लेकर आए और जब एंड वाली लाइन पर आए तो यहाँ से इसको थोड़ा सा गोल कर दिया और इसके ऊपर लगा है एक नुक्ता। दोबारा एक दफ़ा देखें बच्चों, यहाँ से सीधा वन नीचे लेकर आए, एंड से आके इसको थोड़ा सा गोल किया और इसके ऊपर एक नुक्ता लगाया। प्यारे बच्चों, इसी तरह आप लोगों ने इस जग को लिखना है, इसकी रीडिंग याद करनी है और इसमें कलर्स करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।